हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कंट्रोल एंड पावर सर्किट डायग्राम ऑफ बेल्ट कन्वेयर फॉर सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर। सबसे पहले हम लोग इधर देखेंगे बेल्ट कन्वेयर सिस्टम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब देखेंगे जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई फ्रूट्स रहता है या बिस्किट रहता है, कोई भी चीज़ अगर है तो उसको क्या करेंगे, पैकिंग के लिए क्या करना पड़ता है। थोड़ा आइटम रहता है तो हाथ मैनुअली भी आप रख सकते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी रहने से क्या, उसको सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पे इसको रखेंगे तो उसका कन्वेयर बेल्ट में क्या, आगे मोटर रोटेट करता है तो बेल्ट के थ्रू आगे वो बढ़ता है। देख रहे हैं जैसे यहाँ पे देखिए एप्पल है, बिस्किट है, इधर एप्पल। तो इस तरह क्या होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप का जो भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या रहता है, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू आगे जो है वो पास होता रहता है, जो भी प्रोडक्ट रहता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर सिस्टम फॉर रिमूविंग ऑफ सॉइल फ्रॉम एग्रीगेट। जैसे क्या है कि एक एग्रीगेट है, एग्रीगेट के साथ में डस्ट भी लगा रहता है, तो इस मशीन से क्या है, इस बिन में इसको एग्रीगेट को शिफ्ट किया जा रहा है और इस एग्रीगेट को इस बिन तक पहुँचाना है। तो किस लिए, यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेट से सॉइल रिमूव होगा, तो उसके लिए कन्वेयर बेल्ट 4 से 4 नंबर का कन्वेयर बेल्ट है, फिर 3 नंबर 2 और 1। तो इसको क्या है, इसके थ्रू यहाँ तक ये पहुँचेगा। तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो कन्वेयर बेल्ट है 1 नंबर स्टार्ट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4th नंबर होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं 3 मोटर इधर दिखाया हूँ और यहाँ पे इसका पावर सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पे 3 फेस और न्यूट्रल इधर सप्लाई दिखाया गया है। 3 फेस सप्लाई जो है यानी आर वाई बी, तीनों फेस इधर एमसीसीबी में गया है। एमसीसीबी से ए कंडक्टर K1, K2 एंड K3, यानी जो मोटर 1 है उसका कंडक्टर K1 है, ओवरलोड रिले 1 यानी कंडक्टर से ओवरलोड रिले में जाएगा सप्लाई, फिर यहाँ से मोटर में आएगा। सेम उसी तरह सेकंड मोटर का यानी एमसीसीबी के आउटपुट से यानी K2 कंडक्टर में, फिर उसके बाद आउटपुट ओवरलोड रिले में, उसका आउटपुट मोटर में। थर्ड मोटर के लिए एमसीसीबी का आउटपुट जो है कंडक्टर K3 के इनपुट में, उसका आउटपुट ओवरलोड रिले इनपुट में, इसका आउटपुट मोटर 3 के इनपुट टर्मिनल में जाएगा। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा फर्स्ट मोटर, फिर जो टाइम सेटिंग किए रहेंगे 4 सेकेंड या 10 सेकेंड बाद हमारा ये दूसरा मोटर स्टार्ट हो, फिर उसके 10 सेकेंड बाद या 15 सेकेंड बाद थर्ड मोटर स्टार्ट हो, तो क्या इसमें टाइमर में सेटिंग किए रहते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके कंट्रोल के लिए क्या है, फेज और न्यूट्रल सप्लाई से इसको कंट्रोल किया गया है। एक फेस जो है जैसे 2 पोल का एमसीबी है, इसमें फेस जो है फ्यूज में गया, फिर यहाँ से इसका स्टॉप पुश बटन में गया वायर, फिर यहाँ से इसको कॉमन कर दिया गया। यहाँ पे देख रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका न्यूट्रल को इसे ओवरलोड का जो इधर है आउटगोइंग इससे कनेक्ट कर दिया गया है, यानी न्यूट्रल यहाँ तक पहुँच गया है इसके जो इसका ओवरलोड का, यहाँ तक देख लीजिए एनसी पॉइंट जो है यहाँ तक ऐसे पहुंचा हुआ है, यहाँ तक ऐसे आ गया है। तो जैसे क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, ये फ्यूज है, फ्यूज के बाद ये स्टॉप पुश बटन या इमरजेंसी लगा सकते हैं, तो स्टॉप पुश बटन हो गया, ये क्या है ऑन पुश बटन, ये ऑन पुश बटन है, और ये एनओ पोजीशन में रहता है, ये क्या है एनसी नॉर्मली क्लोज रहता है, नॉर्मली ओपन रहता है। ये क्या है K1 क्या है, ये मोटर 1 का कंडक्टर है, ये मोटर 1 का वो ये जो ओवरलोड रिले इसका एनसी पॉइंट है, और K1 क्या है कंडक्टर, K1 का एनओ पॉइंट है, ये टाइमर है मोटर 1 के लिए, और K2 क्या है यानी मोटर 2 का जो कंडक्टर है उसका एनसी पॉइंट है, और K2 जो है मोटर 2 का कंडक्टर है,
वन टाइमर टू है, ए जो है टी वन जो है ए टी वन जो है इधर एनओ दिख रहा है, टाइमर टी वन का एनओ पॉइंट है, और के टू जो है इधर एनओ जो के टू है वो कंडक्टर के टू का एनओ पॉइंट है, के थ्री जो है ये मोटर थ्री का कंडक्टर है, इसका एनओ पॉइंट यानी के थ्री कंडक्टर का एनओ पॉइंट है, टी टू इधर जो है टाइमर टू का एनओ पॉइंट है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे यानी इसको ऑन कर दिया, एम सी बी ऑन हो गया, ये सब फ्यूज सब लगा है इधर, फिर इसको जैसे ऑन लिखा है पुश बटन को जैसे प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही क्या होगा ये फेज सप्लाई ए इसमें आ जाएगा, न्यूट्रल यहाँ तक तो पहुँचा है, फिर जैसे आएगा ये कंडक्टर के वन ऑन हो जाएगा। कंडक्टर के वन ऑन होने से क्या होगा, ये तो प्रेस करने से इसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ेंगे जैसे प्रेस जैसे करेंगे ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन होने से क्या होगा, ऑन होने से जो के वन जो येनो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी ये जो फेस इधर आ रहा था ये इसको यहाँ मिल जाएगा, और इधर एक कंटिन्यू है मोटर के वन जो है यानी मोटर वन जो है ये चलता रहेगा, रनिंग में आ जाएगा, यानी कंडक्टर के वन ऑन हो जाएगा। और ये जैसे क्लोज होगा तो उसी टाइम ये फेस सप्लाई इधर आ जाएगा, और ए भी जो न्यूट्रल यहाँ से इसको भी यहाँ मिल जाएगा, तो टाइमर भी ऑन हो जाएगा टी वन। इसके जितना टाइम दिए रहेंगे कितने टाइमिंग बाद ये दूसरा कंडक्टर ऑन हो, तो सपोज करिए 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद इसको ऑन होना है, तो उसमें टाइम सेट कर दिया जाता है टाइमर में। तो उतने सेकंड बाद क्या है ये जो टी वन है जो येनो है, तो इसे 10 सेकंड बाद इसको क्या है कि ए वाला कंडक्टर ऑन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें टाइम सेटिंग क्या रहेंगे 10 सेकंड, तो उतने 10 सेकंड बाद टी वन जो है ये जो है क्लोज हो जाएगा, यानी ये फेस सप्लाई जो यहाँ तक रुका हुआ था ये क्लोज होगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी के टू कंडक्टर ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल तो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ तक तो पहुँचा हुआ है, लेकिन क्या है फेस नहीं, जब ये ऑन होगा यानी जो क्लोज होगा तभी तो इधर आएगा, जैसे टाइमर इधर टी वन जो एनओ है जब ये क्लोज होगा तो इधर के टू कंडक्टर क्या ऑन होने से सेकेंड मोटर स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे स्टार्ट होगा एक के टू का जो एनओ है ये भी क्लोज हो जाएगा, यानी इस टाइमर में भी सप्लाई मिलना, फेस सप्लाई आ जाएगा, टाइमर भी ऑन हो जाएगा। फिर थर्ड मोटर के लिए हम लोग देखेंगे कि कितने सेकंड बाद इसको ऑन होना है, तो इसमें टाइमिंग सेट किए रहेंगे 10 सेकंड है, 15 सेकंड बाद इसको ऑन होना है, तो टाइम उतने टाइम के बाद एक टी वन जो एनओ पॉइंट है ये क्लोज हो जाएगा, और जो फेस सप्लाई है यहाँ मिल जाएगा, न्यूट्रल ऑलरेडी यहाँ तक है ही है, कंडक्टर के थ्री जो है ये जो है ऑन हो जाएगा, और थर्ड मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह सीक्वेंस में और भी आप मोटर लगा सकते हैं, चाहे 4 मोटर 5 मोटर जितना भी अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि उसमें कन्वेयर 4 था तो यहाँ पे उतना स्पेस था नहीं, हमने 3 मोटर इसमें दिखाया ड्राइंग में, आप और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह हमने समझाया कंट्रोल एंड पावर सर्किट डायग्राम ऑफ बेल्ट कन्वेयर फॉर सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर समझ में आ गया होगा, और आ गया प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।